हरे कृष्णा। डेली 10 मिनट भगवद गीता से दिव्य ज्ञान की चर्चा। तो कल हमने देखा था कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी कैसे भगवान का चिंतन कर सकते हैं, ये एक आर्ट है। तो किस प्रकार हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान को हमारे कर्तव्यों को करने के साथ साथ हम याद कर सकते हैं। दूसरी बात कल हमने देखी थी कि योगी जो ध्यान करते हैं वो किस प्रकार से अपनी ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर पाएंगे। उनको भगवान का चिंतन करना अंत समय में वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज इसी को और थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि परमेश्वर का चिंतन कैसे हर समय हर जगह किया जा सकता है और किस प्रकार से षठ क्रिया योग या ज्ञान योग की विधि की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। तो आज हम देखेंगे अध्याय 8 भगवत प्राप्ति से श्लोक संख्या 9 और 10। श्लोक संख्या 9। कविम पुराणम मनुषासितारम अणोरण्याम समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। श्लोक 10। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम् परम पुरुषामुपेति दिव्यम्। अनुवाद। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो ये 8 प्रश्न में जो आखिरी प्रश्न था कि अंत काल में भगवान का समय स्मरण चिंतन कैसे हो सकता है, तो उसका उत्तर विस्तार से यहाँ भगवान दे रहे हैं। तो क्या हमने देखा, भगवान बता रहे हैं कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतर से भी लघुतर। तो हमें पहले तो एक हमारी भूल धारणा से बाहर आना पड़ेगा कि भगवान कभी भी निराकार शून्य नहीं है। ये बहुत ही सामान्य बुद्धि की बात है। हम जैसे तुच्छ लोग जिनमें कुछ न कुछ गुण है, जिस गुण की विशेषता को लेकर के अगर वो गुण के बारे में चर्चा हो तो हमें वो व्यक्ति याद आता है। हाँ, किसी के पास सुंदरता है या किसी के पास जैसे बहुत ही अच्छा क्रिकेटर कोई है तो वो क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हुए देख के हमें वो बेस्ट क्रिकेटर याद आएगा। तो आप समझिए कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके पास षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनके पास सुंदरता ज्ञान वैराग्य कीर्ति ये सब पूर्ण मात्रा में है, तो क्या उनका कोई रूप नहीं होगा? तो ऐसा विचार करना कि भगवान का कोई रूप नहीं है वो थोड़ी मंद बुद्धि वाली बात है। हाँ, ये बात ज़रूर है जो आगे भगवान ने कहा कि वो अचिंत्य है, और क्या कहा, नित्य पुरुष के रूप में। तो हमारी भौतिक बुद्धि से हम उसको नहीं समझ सकते, वो अलग बात है, लेकिन वो है नित्य पुरुष। तो जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे दिमाग से वो नास्तिकता का वो जो मोतियाबिंद है वो नहीं निकलेगा, हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जिनकी आँखें प्रेमंजन से, वो प्रेम रूपी अंजन जिनकी आंखों में लग गया है वो भगवान को हर जगह पर देख पाते हैं। एक वैष्णव आचार्य हो गए, वो कहते हैं स्थावर जंगम ना देखे
देखे तार मूर्ति, मतलब जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, जिनको ये कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो जाता है, जिनकी चेतना में हमेशा भगवान चिंतन में आ जाते हैं, वो लोग स्थावर जंगम नहीं देखते, वो हमेशा भगवान को ही देखते हैं सब जगह। तो ये विशेष दृष्टिकोण है कि किस प्रकार हम भगवान को देख पाए। तो आगे और भी भगवान समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान पुरातन नियंता और पालन करता है। एक सरल उदाहरण से हम समझने की बात करें, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, चलिए मान लीजिए रिलायंस का नाम ले लेते हैं, हम किसी का वो नहीं करते लेकिन रिलायंस का नाम ले लेते हैं। तो रिलायंस का मालिक है, जिन्होंने रिलायंस बनाया, हाँ, तो वो रिलायंस के बारे में सब कुछ जानता है, उसके लिए कोई भी चीज़ अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि उसी ने उसको बनाया है। जैसे ये फ़ोन जिसने बनाया है तो वो बनाने वाला इस फ़ोन के बारे में सब कुछ जानता है। उसी प्रकार भगवान क्या है, सर्वज्ञ है, और सृष्टि से पहले से है, तभी तो भगवान ने सृष्टि की, तो इसलिए भगवान सृष्टि के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान पुरातन भी है। और भगवान, क्योंकि भगवान ने बनाया है तो इसीलिए भगवान नियंता भी है। जैसे एक रिलायंस कंपनी का मालिक उस पूरी रिलायंस कंपनी का नियंता होता है, उसी प्रकार भगवान भी ये पूरे ब्रह्मांड के, सिर्फ भौतिक जगत ही नहीं आध्यात्मिक जगत के भी नियंता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो भगवान किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं। जैसे एक कंपनी में अलग अलग मैनेजर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके हेड्स होते हैं, उस प्रकार से वो नियंत्रण करते हैं मालिक। और मालिक क्या करते हैं, मालिक अपने आराम से घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, मजा करते हैं। तो भगवान नित्यानंद करते हैं, उनको सब कुछ में दखलअंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है, उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सब कुछ करते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है वो नियंता भी है, भगवान ही पालन करता है। और भगवान आगे जिस प्रकार से बताए कि सूर्य की भांति तेजवान है और भौतिक प्रकृति से परे हैं और दिव्य रूप है। तो जैसे यहाँ पीछे तालाब में क्या हो रहा है, हाँ, इसका चिंतन करना ये भी हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे पेट में क्या चल रहा है उसका चिंतन भी हम नहीं कर सकते हैं। तो भगवान जो ये पूरे ब्रह्मांड के सर्जन करता है, उसको पालन कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, उनका चिंतन कर पाना हमारी ये मंद बुद्धि में कैसे हो सकता है। तो ये भौतिक दृष्टि से हम नहीं समझ सकते, लेकिन जब भगवान स्वयं को हमारे सामने प्रकाशित करेंगे, जैसे सूर्य स्वयं उदय होगा तो हम उसको देख सकते हैं, उसको दिया लेके ढूंढने नहीं जा सकते। अगर दिया लेके ढूंढने जाते हैं तो वो मूर्खता होगी, जैसा आजकल के तथाकथित विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। हमें शास्त्रों के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से भगवद गीता में जो बात कही है वो स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से दिव्य रूप का दर्शन हम कर सकते हैं। आगे भी और इसके ऊपर कहीं भगवान बात बताए हैं, वो हम चर्चा करेंगे। और इस दिव्य रूप की चर्चा जब हम करते हैं तो हम देखते हैं भगवान के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे वृंदावन या यहाँ मायापुर या जगन्नाथपुरी, तो सब जगह भगवान अपने विग्रह के रूप में विद्यमान हैं। और हम उत्सव मनाते हैं, भगवान हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तो यही दिव्यता है भगवान के रूप में। भगवान का रूप हमारे जैसा नहीं है। और एक बात जो दूसरे श्लोक में भगवान ने बताई कि अंत काले मृत्यु के समय में जो षट क्रिया योगी हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उनको दोनों बाहुओं के मध्य यहाँ प्राण को स्थित करना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए, मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो आप कितनी भी योग, कोई भी प्रक्रिया कर लो, चाहे सत्य युग में लोग ध्यान करते थे, त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे बड़े बड़े, और फिर द्वापर में पूजन अर्चन करते थे, हेतु है भगवान का चिंतन होना। अगर आपको भगवान का चिंतन नहीं होता तो सब कुछ विफल है। तो सबसे अच्छी आसान प्रोसेस जो कलयुग में फलदायी साबित हुई है और पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की कृपा से लोग उसका लाभ उता रहे हैं, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप, कीर्तन करना, भगवद गीता पढ़ना, भगवान का चिंतन करते हुए सारे कार्य करना, अपने कर्तव्यों को भी करना, फिर चाहे हम ध्यान योग करें, कर्मयोग करें, ज्ञान योग करें, तो ये सब कुछ करने के पहले हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र से अगर अपने आप को जोड़ लेंगे, भगवद गीता के ज्ञान से अगर जोड़ लेंगे, तो वो सारी क्रियाएँ सफल हो जाएगी।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम वापस मिलेंगे, आगे और चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 11 और 12 से, जिसमें भगवान और आगे विस्तार से कुछ बातें बताएंगे। आपसे विनती है, कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। हरे कृष्ण।